हेलो दोस्तों, आज हम लोग कोरोना वायरस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कोरोना वायरस है क्या, प्लस उसमें क्या किस तरीके से फैलता है, क्या सेफ्टी लेनी चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। कोरोना वायरस बेसिकली दोस्तों एक इन्फ्लुएंजा वायरस है जो न्यूमोनिया होता है, बाकी अदर वायरसेस होते हैं उनके बारे में जानकारी लेने से पहले हम लोग देख लेते हैं कैसे ये फैलता है और लोगों को क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए जिससे हम लोग बचे रहें। तो दोस्तों बेसिकली ये एक ही तरीके का फैलने का तरीका है दोस्तों। इसमें सिर्फ देयर इज ओनली वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ आ कोरोना वायरस स्प्रेड, वो एक ही तरीका है दोस्तों, और वो आपका ये है कि जब कोई बंदा, अगर कोई सिक पर्सन हो, जैसे कि कोई बीमार व्यक्ति हो, खांस रहा हो या छींक रहा हो, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो आपकी आईज में, नोज में या माउथ में पड़ जाते हैं, तो आप वायरस के शिकार हो जाते हैं। तो जब भी ये ऐसा कुछ हो तो आपको दोस्तों एक ही चीज़ का याद रखना चाहिए कि जब कोई खांसे छींके तो फिर आपको 2 मीटर दूर होने चाहिए, जिसके माध्यम से आपके उसके ड्रॉपलेट्स आपकी तरफ ना पड़े, जिससे आप बचे रहेंगे। या फिर दोस्तों आप उसको मास्क दे सकते हैं, या फिर टिश्यू पेपर दे सकते हैं, या फिर हैंडशेक दे सकते हैं, जिसके माध्यम से वो अपने आप को भी बचाव करें प्लस आसपास लोगों को भी प्रोटेक्ट करें दोस्तों। तो ये तरीका होता है। और दोस्तों ये जनरल तरीके से आपको बताऊं तो आपको उन भीड़ भड़ाका एरिया वाले की जगह में, जहाँ क्राउड एरिया होते हैं, वहाँ से दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन जो होते हैं उसमें कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो इन्फेक्शियस होते हैं समटाइम्स, तो इसीलिए आपको दूर रहना चाहिए। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं कि एक लेडी है, एक लेडी मास्क पहने है, इट डजेंट मीन्स दैट कि शी इज़ इन्फेक्टेड, लेकिन वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है ओवरऑल। तो इसलिए दोस्तों जब भी आप भीड़ भड़ाका एरिया में जाएं, तो बेसिकली तो आप अवॉइड ही करा, इफ इन केस अगर आपको जाना हो तो आप मास्क पहन के ज़रूर जाएं। प्लस दोस्तों जब भी कोई बंदा, बीमार व्यक्ति अगर खांसता है, छींकता है, तो वो अपने हाथ में ड्रॉपलेट्स ले ले और वो ही टच कर दे डोर पे, या फिर पेन में, या माउस में, या टिश्यूज पेपर में, या कप में, या डिजिटल डिवाइस में, या स्टेयर्स में ऊपर चढ़ रहा है तो यहाँ पे लगा दे, तो दोस्तों हेल्दी पर्सन अगर वो चीज़ एक्सीडेंटली छू लेता है तो वो वायरस का शिकार हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि उस कोई हेल्दी पर्सन ने सिक पर्सन के ड्रॉपलेट्स को कहीं भी जिन्होंने छुआ हुआ है वो अपने आईज में रब कर लिया या फेस में टच करा दिया, लव वन के पास चले गए, तो वो सिर्फ वायरस के शिकार हो जाते हैं। इट्स बेटर कि जब भी आपके साथ ऐसा हो तो आप, जब भी आपको कुछ लगे तो आप सैनिटाइजर से ज़रूर हैंड वॉश करें और 20 सेकेंड तक हाथ ज़रूर धोएं दोस्तों, तो इससे आप बचाव बने रहेंगे। आप बेसिकली दोस्तों कोई भी वायरस जो होता है वो 48 आवर्स के बीच में रहता ही है दोस्तों। वायरस कैन लास्ट अप फॉर टू 48 आवर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट में। तो इट्स बेटर कि आप सोप से हाथ ज़रूर धोएं 20 सेकेंड तक, सैनिटाइजर से आप वॉश कर लें अपने हैंड को, तो इस तरीके से आप बचे रहेंगे दोस्तों। आइए अब हम लोग इसके बारे में और पढ़ लेते हैं, प्रिकॉशंस पढ़ लेते हैं दोस्तों, कि विच इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो गुड टू फॉलो दीज 5 प्रिकॉशंस। नंबर 1, वॉश योर हैंड थॉरली विद द सोप एंड वाटर फॉर एट लीस्ट 20 सेकेंड आफ्टर टचिंग अ सस्पेक्टेड कंटेनमेंट सरफेस। आप उसको वॉश जरूर करें दोस्तों 20 सेकेंड तक, जिसके माध्यम से आप बचे रहेंगे। ये हो गया आपका नंबर 1। नंबर 2 आपका ये होता है दोस्तों, सेकेंड पॉइंट से चलने से पहले इसमें और देख लेते हैं दोस्तों कि आपको हैंड वॉश कैसे करना चाहिए। बेसिकली दोस्तों आपको बैक साइड में भी हैंड वॉश करना चाहिए और बिटवीन द फिंगर्स में करना चाहिए, अंदर द नेल में करना चाहिए। 20 सेकेंड तक आपको करना पड़ेगा दोस्तों, जिससे आप बचाव बने रहें। लगभग जैसे कि हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं 2 बार, वही आपका 20 सेकेंड हो ही जाते हैं दोस्तों। आइए अब हम लोग दूसरी पॉइंट पर चलते हैं प्रिकॉशंस पे। वो ये है दोस्तों कि आपको डिस्पोजल टिश्यूज़ यूज़ करने चाहिए दोस्तों, या मास्क को यूज़ करना चाहिए।
और प्लस दोस्तों ये आपको एक ही दिन के लिए यूज़ करना चाहिए, उससे ज़्यादा के लिए नहीं। साफ साफ लिखा है डोंट वेयर द मास्क फॉर मोर देन अ डे, क्योंकि बैक्टीरिया ग्रोज ऑन द इनसाइड ऑफ योर मास्क इफ़ यू वेयर देम फॉर टू लॉन्ग। अगर आप ज़्यादा समय के लिए अगर आप मास्क को वेयर कर रहे हैं, पहन रहे हैं, तो बैक्टीरिया उसी में पल रहे हैं। और प्लस दोस्तों कभी भी आप आउटसाइड द और ऑल्सो डोंट टच द आउटसाइड ऑफ द मास्क इफ़ यू कैन। मास्क के बाहर के तरफ से आप कभी टच ना करें जितना से जल्दी हो सके। प्लस अगर आपने टच कर भी दिया है दोस्तों तो उसको हैंड वॉश जरूर कर लें, उसको मास्क को हैंड वॉश कर लें, अपने आप को हैंड वॉश कर लें। डिपेंड करता है कि मास्क आपको पेपर मास्क है या फिर क्लॉथ वाला मास्क है, तो इस तरीके से आप बचे रहेंगे। आइए आइए अब हम लोग तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा प्रिकॉशन क्या है दोस्तों, वो आपका ये है कि आप अवॉइड कमिंग इनटू द कांटेक्ट विद पीपल हु आर सिक और शेयर द पर्सनल आइटम्स, फूड, यूटेंसिल्स, कप्स और टॉवल। आप कभी भी किसी अपनी चीज़ों के साथ किसी के साथ शेयर ना करें। फॉर एग्जांपल अगर टॉवल है तो आपका मम्मी का अलग हो, डैडी का अलग हो और बेबी का अलग हो, जिसके माध्यम से आपके बैक्टीरिया आपके में रहेंगे, किसी और के बैक्टीरिया आपके में नहीं आएंगे, तो आपको वायरस का शिकार नहीं होंगे। प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दोस्तों, लोग कभी भी अपनी आईज़ को, ईयर को, नोज़ को रब ना करें, टच ना करें, उससे आप बचे रहेंगे दोस्तों। आइए हम लोग आज के फिफ्थ में चलते हैं, वो ये है अगर आप कभी भी बीमार हों या आपको ऐसे लगे मैं बीमार हो रहा हूँ तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ, लापरवाही ना करें, क्योंकि ये कोरोना वायरस है, जल्दी फैलता है, पता नहीं चलता है दोस्तों। तो अब यही थी आज की कोरोना वायरस के बारे में डिटेल। आप स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए और मस्ती से खेलिए दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो कोरोना वायरस से जो उनको नहीं पता है कोरोना वायरस के बारे में, वो ज़्यादा समझ सकें कि बेसिकली उन्हें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और क्या नहीं। थैंक यू।